नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं सुभद्रा देसाई जी से। कल हमने उनके संगीत सफर की शुरुआत के बारे में बातचीत की थी। आज इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में हम बातचीत करेंगे उनके गुरु मधु मुदगल जी के साथ, उनके जुड़ाव पर और उनके अनुभवों पर। अच्छा सुभद्रा जी, अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको फिर सानिध्य मिला और लंबा साथ रहा आपका मधुब जी के साथ, जिन्होंने आपको बतौर शिष्या काफी समय संगीत की बारीकी, संगीत का जो दर्शन है, संगीत का जो आध्यात्म है, सब कुछ सिखाया। एक गुरु के तौर पर उनको आप कैसे देखती हैं? मेरे मन में उनके प्रति बहुत मान है। देखिए, गुरु होना इतना आसान नहीं है, शिक्षक तो बन जाते हैं, लेकिन शिक्षक से गुरु का स्थान पाना ये गुरु के हाथ में होता है। और जो मेरे गुरुजी ने मेरे जीवन में उन्होंने दिखाया है, वो मार्गदर्शन उनसे मैंने पाया। जब शुरुआत के समय में स्वर कैसे लगाना है, तो तानपुरे कैसे मिलाना है, तानपुरे सुर में तानपुरा मिलाने का जो मतलब है वो, फिर तानपुरा मिला के कैसे एक स्वर को किस तरह से इसको पकड़ना है। आज भी अगर जब कहीं मैंने गाया या उन्होंने सुना तो कहते हैं कि अच्छा ये स्वर इस पे ध्यान दें। अब देखिए, ये गुरु का काम है। ऐसा नहीं कि 6 साल 10 साल 15 साल सीख के कोई चला गया और खत्म हो गया, वो नहीं। तो वो उनका वो जो सही वक्त पे सही बात बता देना, और हर चीज बता के भी नहीं होता है, उनका सानिध्य से भी बहुत बातें सीखी। तो डांट बहुत खाई है बहुत ज्यादा, और रो रो के घर गई हूँ कि ये सोचे कि कभी और गाऊंगी नहीं लेकिन गाना तो था ही, चाहे कितनी भी डांट पड़े। और आज समझती हूँ, जब मैं अब पिछले 30 साल से मैं भी सिखा रही हूँ, आज समझती हूँ कि गुरु का डांट पड़ना कितना जरूरी है। कहीं पे गाया, वहां पे हजारों में ऑडियंस था। तो अब उसके बाद प्रोग्राम के बाद उन्होंने, उस दिन नहीं बाद में उनके पास जब गई, तो उन्होंने हर चीज को बोल बोल के समझाया। तो उसके लिए ये बात तो है कि अपने को बहुत स्ट्रांग बना के रखना चाहिए कि हाँ मैं टूटूंगी नहीं, क्योंकि वो बात गुरु ही कर दे सकता है कि ये ठीक नहीं है, ये रास्ता है। वो तो वो रास्ता जो दिखाना है कि यहाँ राग सीखना मतलब राग के स्वर सीख गए, उसके कैसे चलन सीख लिया, उसके 2-4 बंदिशें सीख ली, वो बात नहीं है। राग सीखना मतलब उसके अंदर प्रवेश करना, उसके अंदर डूबना। बिल्कुल, ये मैंने उनको देख के सीखा कि किस तरह से एक राग में वो डूबते थे, और वो डुबकिया हम लोगों को लगाते थे। अब भी वो ये करते हैं, तो हमेशा अब तो, क्योंकि मैं भी, मेरे भी बहुत सारे काम अपने एंगेजमेंट्स होते हैं, मैं इसलिए रोज तो उनके पास नहीं जा सकती, बट जैसे मौका होता है मैं उनके पास जाके देखती हूँ। और वही बात उन्होंने अभी भी इतने वर्षों राग में खुद डूबना और उस सामने वाले को डुबकी दिलाना, ये मैं बीच में बहुत, मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि मुझे उस वक्त, मैं आपसे अगला सवाल जो पूछने वाला था उसी का जवाब मिल रहा था, वो कि कहा जाता है बहुत सख्त हैं मधुब जी, बहुत ही मतलब कठोर किस्म के गुरु हैं और बख्शते नहीं हैं अपने शिष्यों को। मैं अब समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अब आप खुद एक परिपक्व कलाकार तो बन ही चुकी हैं, अब आप सिखाती हैं जैसा आपने कहा, और कई बरसों बरस से सिखाती हैं, क्या लगता है ये उनकी सख्ती थी जो उनके बिहेवियर में है, या फिर वो अनुशासन था, डिसिप्लिन था जो वो आप लोग को अपरोक्ष तौर पर दे रहे थे, और अब वो आपको समझ में आता है कि नहीं यार, वो जो डांट उस वक्त खाई थी, उस वक्त तो आंसू निकले थे, लेकिन आज उसका जो महत्व है वो हर मिनट समझ में आता है। देखिए, परसिवियरेंस इज अ वर्ड। गुरु अपना काम करेंगे, वो क्या इसमें है ना, इस भजन में
गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। तो चेला। कुमार जी इतने उड़ जाएगा हम हम सकेला, उस सकेला पति जी जी का वो भजन में है ये पंक्ति। तो उन्होंने अपना काम किया, अब उसके बाद उसको कैसे आत्मसात करना है वो शिष्य के ऊपर होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं उससे डर के या मैं उससे पीछे हट सकती, बट मैंने देखा कि तो डर गई टूट गई तो फिर क्या, फिर तो गाना चाहे कितना है लेकिन उसका पीछा छोड़ना नहीं है, स्वर को आगे जहां तक हो सके उसको परस्यू करना है, उसका देखना है वो कहाँ है, वो स्वर जो स्वतः रंजयत अपने आप जो इल्यूमिन इल्यूमिन इन इटसेल्फ, उसका कहाँ है उसको देखना है, उसको ढूंढना है, चाहे लग जाए जीवन कोई बात नहीं। तो ही इज अ डिसिप्लिनरियन एंड इट हैज वर्क्ड फॉर मी, मैं ये कहूंगी। और बट जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सालों से मेरे पास सीखते हैं और अच्छे से सीख रहे हैं और गंभीरता से संगीत को लेना चाहते हैं करना चाहते हैं, तो मैं हो सकता है कि वो एक, जैसे मैं महिला हूँ एक माँ जैसा एक वो रहता है जैसे संतान के प्रति, हो सकता है उनको भी ऐसा रहा होगा बट उन्होंने वो दिखाते नहीं है, उनके मन में भी जरूर वो बात कहीं ना कहीं है मुझे मालूम है, कभी वो कहीं नजर आ जाती है कि जो स्नेह की बात कर रही हूँ एक ममत्व की बात कर रही हूँ। तो मैं, हो सकता है कि महिला होने के कारण मेरे में वो बात मैं इतनी सख्ती नहीं कर सकती अपने स्टूडेंट से, मैं जानती हूँ कि उनको अगर करना है वो खुद करेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरे गुरु जी के पास भी बहुत लोग ऐसे, बस वही है कि उस पर डटे रहना है। एक और आपका राग भोपाल तोड़ी है हमारे पास, तो वो भी सुनते हैं और फिर इस बातचीत में आगे बढ़ेंगे। आ
इस प्रस्तुति के बाद जो मेरा प्रश्न है आपसे, और आपने बातचीत की शुरुआत में जिक्र भी किया अपने संस्कृत से जुड़े होने का, संस्कृत के अध्ययन का, संस्कृत और पाली का जो साहित्य कह लें उसको आप संगीत में लेकर आई, वो जो थॉट कह लें या वो जो प्रोजेक्ट कह लें, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे आपके? ये एक्सपीरियंसेस बहुत सुंदर है मुझे ये जीवन में ये प्राप्त हुआ है। और कैसे संस्कृत तो मैं पढ़ रही थी और वेद मेरा स्पेशल पेपर था, तो वेद के जो सस्वर पाठ जिसको चैंटिंग कहते हैं जी वो जी मैं अपने गुरु से सीख रही थी, अपने संस्कृत के वेद के गुरु से। तो कलकत्ते में मैंने उनसे सीखा था और मैं अभी बहुत लोगों को मैंने सिखाया भी है और आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं कुछ है ऐसा। लेकिन बचपन से मैं हमारे यहाँ विद्यालय में मैंने मेरे गुरुजी को और उनकी बहन माधवी मुद्गल जी इन दोनों को देखा है कि संस्कृत के श्लोकों को लेकर के वो अपने कुछ माधवी जी कोरियोग्राफी करती थी और उसके कंपोज करते थे, सुर बनाते थे। भाई जी ने भी किया, भाई जी ने ही किया है इनफैक्ट, उसके बाद इन लोगों ने किया है। तो मेरा उसके प्रति आकर्षण ये बहुत स्वाभाविक था क्योंकि मैं खुद संस्कृत की थी और वैदिक उच्चारण सस्वर मैं करती थी। तो मैं देखती थी लौकिक संस्कृत की जो भाषा है वो और भी सुंदर मधुर और सुंदर सांगीतिक, संगीत के लिए बहुत उपयुक्त भाषा मुझे संस्कृत ऐसे लगता था, क्योंकि उसमें जब स्वरावली का प्रयोग होता था तो वो बड़ा सुंदर तरीके से वो सामने आता। तो जैसे ऐसा नहीं कि मैं उस पे जानबूझ के पहुंची, मतलब वो भी स्वाभाविक रूप से ही हुआ कि मैं क्योंकि मैं सीख रही थी, गा रही थी, तो कुछ कुछ श्लोक जो मैं पढ़ती थी तो मैं सोच रही थी इसको क्यों ना गा के देखूं, तो करके मैं अपने आप उसको स्वरों में पिरोती थी, रागों में। और कुछ अच्छे होते थे कुछ नहीं होते थे, बट दैट्स द जर्नी यू सी। तो इस तरह से मैं करते 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 कुछ समय पहले, अब तो कई वर्ष हो गए, मैंने संस्कृत में ये भी किया, बंदिश भी बनाई। मेरे एक मित्र हैं मेरे से बहुत छोटे हैं, वो मेरे मुझे अपने गुरु मानते हैं, मैं वो संस्कृत के विद्वान हूँ। तो उनको मैंने कहा कि मेरे लिए एक बंदिश लिख दो ना, तो कैसा बंदिश चाहिए मैम आपको? तो मैं कुमार जी की कुछ मध्य लय विलंबित मध्य लय की बंदिशों को उसको बोल के सुनाई थी, देखो इस तरह के शब्द है। तो उसने बहुत सुंदर मेरे लिए लिरिक्स लिखी, सकल कला लय रूपम स्वर लय नाद निनाद ऐसे करके। अब वो YouTube में है, तो उसको मैंने पूरी तरह से मैंने 6 मिनट की बंदिश बनाई उसको विलंबित लगी और करके वो मैं कहीं कहीं गाने लगी, देखने लगी कि कैसा होता है, कैसा सुनने में लग रहा है, क्या उसको मैं आलाप के अंदर, बोल आलाप के अंदर डाल सकती हूँ, क्या क्या उसमें तान बन सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रयोग शुरू हुआ है वहां से। फिर श्लोकों को लेके तो करती ही हूँ, शंकराचार्य के, वल्लभाचार्य के, जयदेव के, गीत गोविंद में से, ये सब तो मैं रेगुलर करती हूँ, कुछ कई वर्षों से कर रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ क्योंकि ये भाषा ऐसी संस्कृत भाषा और राग संगीत के जो स्वर है वो जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और वो स्वाभाविक, वो बहुत आसानी से, और जब शब्दों क्योंकि मैं समझती हूँ तो मुझे वो गाने में बहुत मजा आता है। और प्रयोग भी है कि प्रयोग अगर कहीं रास्ता दिखाता है तो ठीक है, नहीं तो अपने लोगों को सुनने में मजा आता है। मैंने विवाह मंत्रों को भी सस्वर स्वर दिया है, कई 3-4 ऐसे विवाह हुए हैं जहाँ विशेष रूप से रागों में विवाह के मंत्र
मैंने डाले हैं। क्या बात तो है। इस तरह से ये भी एक जरूरी है। इसी इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि जो सीसीआरटी के साथ आपका एक एसोसिएशन है लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन का, मैं उसके जरिए ये जानना चाहता हूं कि जो नई पीढ़ी है जो संगीत के से जुड़ रही है, उनका थॉट प्रोसेस, उनका डिसिप्लिन, उनका समर्पण, उनकी गंभीरता, गुरु और शिष्य परंपरा को लेकर उनकी सोच, ये सब कुछ आपको दिखता है क्या? और अगर दिखता है तो क्या वो सकारात्मक दिखता है या ऐसा लगता है कि नहीं कहीं कुछ डेविएशन है? सीसीआरटी के साथ भी मैं अपने पिछले 30-32 साल से जुड़ी हुई हूँ। शुरू में आईडी ही ले गए थे, बाद में मुझे ये पता नहीं लगा और फिर केवल वो सीसीआरटी तक सीमित नहीं रहा। अब वो बहुत एजेंसीज हैं जहाँ मैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ, विदेशों में भी जगह ऐसे भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन हो या वर्कशॉप हो, उसमें व्यक्ति उसमें उसका एक रूप देख सकता है। तो वो इट्स द फर्स्ट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस कि उसका रूप देख सकता है, यानी हाँ स्वर क्या है, वो कहाँ से आए। अच्छा, तो नाद जो आहत नाद है, अनाहत नाद है, जहाँ से श्रुतियाँ आई, तो वो क्या आहत नाद और अनाहत नाद संगीत के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, क्या एक जुड़ा हुआ है या दोनों ही हैं। तो ये सारी चीजें मैं जब बात करती हूँ शिक्षकों के साथ जो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के सुनने के लिए, तब मैं देखती हूँ कि कई लोग तो उसको ऑन द पेरिफेरी वो बस सुन के खत्म हो जाता है, कई लोग ऐसे हैं जो उसके प्रति उनके प्रश्न और जागते हैं। प्रश्न जगाना ही काम है लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, स्वर और उसके बाद सप्तक, उसके बाद राग, राग संगीत में जो कॉम्पोजिशनल फॉर्म्स हैं जो हमारे ध्रुपद, धमार, टप्पा, ठुमरी, तरंग, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, तरंग, ये सब क्या है, इसमें कौन से ताल है, ताल का क्या महत्व है, ये सब बातें जब हम लोग करते हैं तो जिन जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट बन होता है वो उसके और आगे जाना चाहते हैं। उसमें से जो वो लेकर जा सकते हैं अपने शिष्य अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। तो मैं ये कहूंगी जैसे कि लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन और वर्कशॉप्स का काम है वो पहला स्तर है उसमें प्रवेश करने का। ऐसे मैंने बहुत लोगों के NID है, नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन अहमदाबाद में, वो भी संगीत के अप्रिसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, उसके ऊपर वो लेक्चर्स देते हैं, मैं वो लेक्चर्स पढ़ाती हूँ। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के साथ, बट वही कि वो शुरुआत। अच्छा, एक बात मैं आपको पिछले प्रश्नों का जवाब दोबारा देना चाहूंगी। जी 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 जरूर। जब हम संस्कृत के श्लोकों के ऊपर संगीत की बात कर रहे थे तो उस समय पाली में भी मुझे कुछ संस्कृत के साथ साथ पाली में भी मुझे कुछ ऐसे टेक्स्ट्स मिले और वो भी दे आर ऑल इट्स ऑल फॉर्मेटिव्स मुझे लगता है कि टिबेट हाउस के जो रिंपोचे थे उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम इन टेक्स्ट को प्रज्ञा पारमिता का टेक्स्ट है ये गा सकती हो। पहले उन्होंने संस्कृत में दिया, फिर उन्होंने पाली में दिया। तो अब क्योंकि संस्कृत मैंने पढ़ा हुआ था तो मुझे भाषा समझ में आती थी, पाली भी थोड़ी बहुत समझ, पाली प्राकृत थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, लेकिन उसका उच्चारण अलग है, संस्कृत से उच्चारण उसका अलग है। तो मैं जो वहाँ पे दिल्ली में ही है बौद्ध मंदिर है और वहाँ पे मंक्स हैं, श्रीलंका के मंक्स हैं, तो मैं उनके पास ले गई। मैंने कहा ये कैसे, अब तिब्बत हाउस में तो उनका तिब्बती उच्चारण है, तो ये तो मैं वहाँ गई बौद्ध मंदिर में और वहाँ पे बौद्ध जो मंक्स थे उन्होंने मेरा पाली उच्चारण सुधारा, कहाँ अम होना चाहिए, कहाँ अंग होना चाहिए, कहाँ स होना चाहिए, ये सब चीजें बताई। फिर मैंने उनको जैसे ये श्लोकों को संस्कृत श्लोकों को करती हूँ उसी तरह से ऐसे कई जगहों में कई बार मुझे ऐसे गाने के मौके मिले, दलाई लामा जी के सामने मुझे गाने का मौका मिला और अपूर्व एक्सपीरियंस।
और फिर दो बार ऐसा हुआ दलाई लामा जी के सामने जाने का। उसके बाद नालंदा में जो वाइस चांसलर थे उन्होंने कहीं पे यहाँ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव था दिल्ली में, तो उन्होंने मेरा वो सुना तो उनको बस अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इस वाला भी अगर मैं आपको कुछ टेक्स्ट दूँ तो आप गाइड बुक। वहाँ मैं लगभग 8 बार गई नालंदा, तो मैं उनको कहती कि देखिए मेरा असली गाना भी गाने दीजिए। असली गाना यानी अब राग संगीत वहाँ कोई सुने ना सुने, मैं भजन भी गाती थी वहाँ पे। पहले मैं शुरुआत करती थी बौद्ध टेक्स्ट के साथ, संस्कृत में, पाली में, तो वो सभी रागों पर आधारित होते थे और उससे इस तरह से वो आगे बढ़ता था। बहुत बहुत धन्यवाद सुभद्रा जी, आपने समय निकाला और हम लोगों से बातचीत हुई, राग भी सुने हमने आपसे, तो बस धन्यवाद के साथ साथ शुभकामनाएं आपको, और बस ये सहजता जो आपकी है वो बरकरार रहे, और शिष्य तो खैर आप तैयार कर ही रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अनेक धन्यवाद।